मूवी का टीजर जो है वो फोर लैंग्वेजेस में रिलीज हुआ है. तो Iman and Muslim, and today we will talk about a person who is not just an actor but a producer, a politician, a screenplay writer. So any case, director? No, he's not a director. Then अभी जो मैंने आपको जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो सारी उन्हीं में पाई जाती हैं. तो आई गेस जो हमारे देखने वाले हैं उनको तो अभी तक आइडिया हो चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर रजनीकांत. लाइक उनका जो नेम है, मतलब ओरिजिनल नेम है वो शिवाजी राव गायकवाड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन उनका मतलब जो मूवीज का नेम है वो ये है रजनीकांत सर जी. और आज हम उन्हीं की मूवी का एक टीजर है जो जिस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे. इस मूवी का टीजर जो है वो फोर लैंग्वेजेस में रिलीज हुआ है. तो पहले हम देखते हैं इस मूवी का टीजर और फिर हम इसके बारे में इस पर डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो. धनुष काला नाना पार्टी का कैसा नाम है रे? काला मतलब काल, काल अरे काल जंग में लड़कर बचाता है. I want to make this country clean. पॉलिटिशियन लगता है. हाँ, और मुझे गैंगस्टर टाइप लग रहे हैं रजनीकांत. अरे चौल में आकर दे, गंदगी भी रंगीन दिखाई देगी. हम्मा कुरैशी. क्या रे? सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा केला खड़ा है. अगर हिम्मत है तो सभी एक साथ आओ. शीतले हफ्ते रात तेरी है धरती सर. रूरते करी है तो बदलाव लाना तू. सो साल से सह रहा अब उठेंगे हम. एकता के बल पे रजनी जाएंगे. आई लाइक दिस ना, मैं बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन फेस बना हुआ है, इस काला लिखा होगा क्या ना. भाईगिरी अभी तुमने देखी नहीं है, अब देखोगे. आवाज उठा. मुझे मूवी का टीजर तो काफी अच्छा लगा. मतलब एक तो काफी शॉर्ट था, लेकिन ये कि थोड़ा आइडिया हो गया कि मूवी में क्या. मुझे नाना पाटेकर जो उनसे हैं वो एक पॉलिटिशियन लगे हैं, और रजनीकांत जो हैं वो मुझे लग रहा है गैंगस्टर का एक रोल प्ले कर रहे हैं. और हुमा कुरैशी हैं डेफिनेटली, वो उनकी गर्लफ्रेंड होंगी. जी, गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होंगी आई गेस. तो जो मतलब करेक्टर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग लगे हैं. लाइक रजनीकांत और नाना पाटेकर दोनों की अगर एक्टिंग के बारे में मेरा ख्याल में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं. और बहुत और इन दोनों की एज डिफरेंस भी आई थिंक 1 or 2 years का डिफरेंस है नाना पाटेकर और रजनीकांत सर की जो होगा. हाँ, होगा नहीं है. और अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी सीक्वल है कबाली मूवी का, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी. एंड उस मूवी में भी रजनीकांत सर जो उनसे थे वो लीड रोल में थे. और वो मूवी भी एक गैंग वॉर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी. और इस मूवी में भी अगर देखा जाए तो ये मूवी भी मुझे इस तरह से ही नजर आई कि जैसे मुंबई की वो स्लम्स हैं, हाँ जी, उनमें वो रहते हैं और शायद उन्हीं के वो लीडर हों कुछ इस तरह से. वैसे मोस्टली इस तरह की जो मूवीज होती हैं जैसे रईस थी, और जो एक और मैंने देखी थी शूट आउट एट लोखंडवाला, इस तरह की जो मूवीज है मोस्टली स्लम्स में ही दिखाया हुआ है कि स्लम्स के लोग ही उठ के आगे आते हैं. तो नहीं, मैंने थोड़ा सा इस मूवी के बारे में ये भी पढ़ा था कि ये जो अभी मूवी मतलब काला जो मूवी है, ये मूवी एक अंडरवर्ल्ड के मतलब कोई वो डॉन थे जिनके ऊपर बनाई गई है. और आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था. और एक और चीज के
हुमा कुरैशी से पहले विद्या बालन को लीड रोल के लिए सोचा गया था अच्छा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर हुमा कुरैशी को उनकी जगह पर ले लिया गया। तो 2017 में उनकी एक मूवी आई थी शिवाजी, जिसके बाद ही हैड बिकम द हाईएस्ट पेड एक्टर इन एशिया आफ्टर जैकी चैन। तो मेरे हाल में ये बहुत बड़ी बात है ओके मतलब आप हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं। और ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर मतलब कि आप उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने सिर्फ काम किया, इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। तो बहुत एक मैं कहती हूँ कि अच्छे एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो मेरा ख्याल में बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उनकी हम लोग इनिशियल लाइफ के बारे में बात करें, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी हर्डल्स थी उनकी लाइफ में जो कि उनको फेस करके वो आगे आए हैं। और ऐसे लोग ही होते हैं जो हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं कि हम लोग को अपनी लाइफ में भी किस तरह से आगे निकलना है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। और अगर हम मूवी के रिलीज की बात करें तो 27 अप्रैल 2018 को रिलीज हो रही है, यानी नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो रही है। सो मार्क योर कैलेंडर बिकॉज आई नो के हर बंदा जाने वाला है, क्योंकि रजनीकांत सर की मूवीज देखने के लिए मेरा ख्याल में किसी वो उस दिन की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल डे की जरूरत नहीं होती। लोग वो इतने फेमस है वहां पर, लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी कि लोग उनकी मूवीज देखने के लिए जाते हैं। हाँ, और एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब काला मीनिंग इन हिंदी काला मतलब, और अगर हम इंग्लिश में लें तो मतलब डार्क स्किन्ड और इस तरह से है। मतलब आई डोंट नो तेलुगु में इसको क्या बोलते हैं, काला मीनिंग व्हाट, तेलुगु में भी काला मीनिंग यही होता है या कुछ और होता है, प्लीज ये हमें जरूर मेंशन कीजिएगा। और लेकिन रोमन में, हाँ और रोमन में, हाँ टेलीगो मत लिखिएगा क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा उसका। तो इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, तब तक हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब आप बोलें क्योंकि मैं बहुत बोल चुकी हूँ। और आप सबको पता है आपने क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर। टिल देन बाय।